मुश्किल महंदास तेरा अब जल्दी जिसको तीन बाण चाहिए, तीन बाण यानी जिसको तीन बाण धारी की कृपा चाहिए। खाटू श्याम जी के कितने भक्त हैं यहाँ पर? बोल खाटू नरेश की, तीन बाण के धारी तीनों बाण
बदलती आओ। और अंत में कहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा दानी अगर खोजने जाओगे तो खाटू नरेश निकलेंगे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान अगर खोजने जाओगे तो खाटू नरेश निकलेंगे, दुनिया के सबसे बड़े भक्त को लोग रावण का उदाहरण देते हैं, मैं कहता हूं दुनिया में सबसे बड़ा भक्त अगर माता जी का कोई खोजने जाओगे तो खाटू नरेश निकलेंगे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और माता जी के दिए हुए वचन के अनुसार खाटू नरेश जो हारने वाला है उसके पक्ष में खड़े होने वाले, और वहां पर कौरव हारते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण थे और भगवान कृष्ण को पांडवों को जिताना था, तब खाटू नरेश के रास्ते में भगवान कृष्ण खड़े हुए, कहा कि बर्बरीक, उस वक्त उनका नाम बर्बरीक था, कहा बर्बरीक ब्राह्मण के वेश में सामने आए और कहा कि मैंने सुना है आप बड़े शक्तिशाली और आपकी माता जी के दिए हुए ये तीन बाण आप सृष्टि का विनाश कर सकते हो। उन्होंने कहा भगवती की कृपा रही तो कर सकता हूं। भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि ये पेड़ है, इस पेड़ के अगर सारे पत्तों को भेद दो तो मैं मान जाऊं। भगवान खाटू नरेश बर्बरीक ने कहा कि बिल्कुल कर सकता हूं। भगवान ने कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया और कहा कि छेद के दिखा दे। खाटू नरेश ने बर्बरीक महाराज ने एक बाण मारा और सारे पत्ते पेड़ के छिद हो गए और आकर भगवान के पैर के पास वो बाण रुक गया और कहा कि भगवान जल्दी अपने पैर को हटाओ। जैसे ही पैर हटाया और वो पत्ता छेद करके निकल गया, भगवान ने कहा वास्तव में इस संसार में अगर कोई पूरी अक्ष्मणी सेना का विनाश कर सकता है, अगर कौरवों के दल को जीता सकता है तो मात्र तुम हो बर्बरीक। उस वक्त भगवान को राजा बर्बरीक ने उस वक्त अपना शीश काट कर दान में दे दिया। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर जयघोष करेंगे, बोल खाटू नरेश की। तब भगवान को शीश का दानी कहते हैं। कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे हमने सुना तेरा नाम लिए से संकट सब भागे। अरे आपने तो भगवान कृष्ण को दान दिया है, हम तो क्या तुच्छ मात्र हैं आपके आगे। कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे हमने सुना तेरा नाम लिए से संकट सब भागे। छोटू की विपदा को बाबा, सभी लोग भगत एक बार खाकर दोनों हाथ ताली के साथ, एक दो तीन चार। ओ छोटू की विपदा को बाबा, भक्तों की विपदा को बाबा, सबकी न विपदा को बाबा, आग लगा की, तीन बाणधारी की जय हो, पीपलेश्वर महादेव की।